चाहिए आसिफ हॉरर फिल्म देखने के लिए कोई एक्साइटेड होता है सिर्फ आई थिंक कम या दे आस्किंग मी हाउ एक्साइटेड आई एम टू सी अ हॉरर फिल्म. मैं खुद एक हॉरर फिल्म कर चुकी हूँ बचपन में, जो फिल्म मैंने देखी नहीं आज तक और ना ही देख पाऊंगी, तो मुझे नहीं लगता ये फिल्म भी मैं देख पाऊंगी. बट खास करके आज मैं ये फिल्म देखने आई हूँ सिद्धांत के लिए और पूरी फैमिली आई है इस फिल्म को देखने के लिए, खास करके सिद्धांत के लिए. और आई थिंक हॉरर एक ऐसा जॉनर है जो मतलब सभी पसंद करते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि यू नो आप एक फिल्म देखने जाते हो तो यू वांट टू बी एट द एज ऑफ योर सीट. अभी हमारी एक फिल्म थी ब्लर, जो बिल्कुल किसी भी एंगल से हॉरर नहीं थी लेकिन थ्रिलर थी, वो फिल्म भी मैं ऐसे करके देख रही थी. तो आई एम प्रॉबेबली गोइंग टू बी सिटिंग लाइक दैट एंड वॉचिंग द फिल्म लाइक दिस, लेकिन फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छी फिल्म होगी और मैं चाहूँगी सब आकर देखें इस फिल्म. थैंक यू. थैंक यू सर. मैम प्लीज टुगेदर मैम हम एक्साइटेड इसलिए हैं क्योंकि ये मोहन नादर की फिल्म है, केतकी की फिल्म है और ये लोग एक अच्छा कंटेंट हमेशा डिलीवर करते हैं और ऑलरेडी ओटीटी पर है फिल्म, एक्साइटमेंट बड़ा है और आज इतना बड़ा स्टारकास्ट यहाँ पर आया हुआ है, इतना सारा मीडिया है, तो हमको ये लगता है कि फिल्म के लिए काफ़ी पॉजिटिविटी है, काफ़ी लोगों में एक्साइटमेंट है. और ये जो हॉरर जॉनर है, इस जॉनर के लिए सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया खोजते ही हैं. इसमें मुझे लगता है कि काफ़ी नई चीज़ें देखी जा सकती है. जो मैंने ट्रेलर देखा है तो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पॉजिटिव लगेगी. स्टारकास्ट ने अच्छा काम किया है और प्रोडक्शन बेसिकली मोहन का और केतकी का, इन्होंने बहुत चुन चुन के आर्टिस्ट लिए हैं, अच्छे डायरेक्टर्स लिए हैं, फिल्मों को प्रमोट करते हैं. आज इतना बड़ा अगर प्रेस आया है तो इन्हीं के रिलेशनशिप के कारण आया है, तो ये एक अच्छा गुडविल है इन लोगों का इंडस्ट्री में और इनके परफॉर्मेंसेस भी अच्छे हैं. तो मुझे लगता है कि पीपल शुड लव दिस फिल्म. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.